Lallu, 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 lallu. ये पिसा कर लो जाने वाले पिसा कर आज सुबह सुबह जो है जहाज के दर्शन भी हो गए। शायद से ये पिथौरागढ़ से देहरादून जा रहा होगा। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो स्वागत आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। तो आज है मेरा विलेज का तीसरा दिन। तो बात करूँ आज के आसमान की, तो आसमान तो साफ़ है और हिमालय में जो है आज बादल छाए हुए हैं, क्या पता बर्फ़ पड़े शाम तक। और अभी तक हमारे घर में धूप नहीं आई है। तो अभी टाइम हो रहा है आपका 11 बज चुके हैं और धूप आएगी 12 बजे के आसपास। और मेरी तबीयत थोड़ा ठीक है, आज हल्का फुल्का जुकाम कम हुआ है। और हमारे घर तक जाने के लिए सीमेंटेड रास्ता तैयार हो गया है। ओए प्राणी, डॉगी ले, डॉगी यहाँ ले। हैं? हाँ डॉगी। हेलो, तो मैं आ रहा हूँ अभी पड़ोस वाले मकान से। तो आज सामान लेने नहीं, सामान देने गया था मैं। हमारी ये जो बिल्ली है 24 घंटे बैठे रहती है आग के किनारे। तो आज मैंने इसे उठा कर जो है इस लुट्टे पे रख दिया है, अभी यही रहेगी शाम तक का। हे व्हाट्सअप गाइस, तो यार अभी मुझे जाना है घास लेने, तो चलते हैं घास लेके आते हैं अभी। तो आमा ने घास काटा था वहाँ पर, आधा ले आए वो, तो आधा वो ज़्यादा हो गया तो नहीं ला पाए, तो अभी मुझे जाना है लेने, चलते हैं यार। गाइस, ये जो बकरी देख रहे हैं आप रस्सी से बंधी हुई, वो घंटी वाली, ये इन सभी के लीडर है। तो इसको बांध रखा है, तो जहाँ ही जाती है बाकी सभी इसके पीछे पीछे निकल लेते हैं। तो हमने इसको यहीं बांधा है और सभी जो है इसके आसपास ही रहते हैं, ये रस्सी वाली घंटी वाली बकरी। हे गाइस, तो हम लोग पहुंच चुके हैं, हम लोग नहीं मैं पहुंच चुका हूं घास वाली लोकेशन पे। तो यहाँ पर को है तिमुल के पत्ते, तो मैंने इसे रस्सी में बांधना है और अपने साथ ले जाना है। तो गाइज, मुझे अभी इतना अंदाज़ा नहीं है कि मतलब रस्सी कैसे बांधते हैं, तो मैंने कुछ इस तरीके से बांधा है, ऐसे बांधा है। तो देखने लायक मतलब देखने वाली बात होगी कि ये टिकता है नहीं टिकता है, तो ले चलते हैं इसे। हे गाइज, तो हम लोग रेडी हैं घास ले जाने के लिए, तो चलते हैं घर को अभी। जब मैं घास लेके घर पहुंचा तो हमारी बिल्ली जो है आग किनारे बैठी मिली मुझे। हे गाइस, अभी मुझे फिर से जाना है
पड़ोस वाले मकान में, लेकिन इस बार दूसरे वाले पड़ोस वाले मकान में। तो वहाँ भी मैंने कुछ सामान देना है, तो चलते हैं। अभी है दोपहर का टाइम और हिमालय में जो है बादल घिरे हुए हैं, लगता है बर्फ़ पड़ने वाली है। जैसे ही हिमालय में बर्फ़ पड़ती है तो अपने इलाके में जो है ठंड बढ़ जाती है अचानक से, क्योंकि हिमालय डायरेक्ट सामने दिखता है यहाँ से। ये है काफल का पेड़ और इस पे हरे रंग के काफल लगने लग गए हैं, तो 3-4 महीने बाद काफल पक जाएंगे। ये है बड़ी इलायची का पौधा, तो इस पे इलायची जो है जड़ पे लगती है। खैर इस बार तो फल नहीं आया है। तो हम लोग पहुंच चुके हैं पड़ोस वाले मकान में है, तो यहाँ से व्यू कुछ ऐसा दिखता है। तो गाइस जो सामने पहाड़ देख पा रहे हैं आप, इसके बीच से जो रोड गुजरती है वो जाती है मुनस्यारी को। गाइस अगर आप लोग जो है क्रीम लगाते हैं कोई भी, तो वो इससे बनी होती है, मतलब कुछ मटी कुछ परसेंट होता है इसका भी। ये खड़िया है तो इसी से क्रीम बनती है यार। खैर ये तो नदी में बह के आया है, तो हमारा जो गांव है यहाँ पर इसकी पूरी माइन है, खड़िया माइन है, तो अंग्रेजी में सोप स्टोन कहते हैं इसे। तो इससे जो है पाउडर क्रीम वगैरह वगैरह जो कॉस्मेटिक के आइटम होते हैं, पेंट वगैरह वगैरह बनते रहता है। तो मौका मिलेगा तो आपको ले जाऊंगा भी ऊपर में माइन में। गाइस आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी। और हाँ, सब्सक्राइब के बगल में होता है घंटी वाला बटन, घंटी वाला बटन दबाना ना भूलिए, क्योंकि घंटी वाले बटन दबाने से जो मेरी वीडियो है वो आप लोगों तक पहुंचेंगे सबसे पहले। और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि आप लोग जो है ऐसे नए नए वीडियोस देख पाए। अभी मैं सामान दे के आ गया हूँ वापस, तो अभी मैं दिखाऊंगा आपको हरा वाला काफल। तो यहाँ पर को हाँ ये रहे, तो देख पा रहे होंगे आप लोग काफल, ये तो अभी तो हरे हैं, टाइम लगाएंगे 3-4 महीने पकने में। पकने के बाद लाल एकदम रसीले और टेस्टी हो जाते हैं बढ़िया। इस बार मेरे ख्याल से फल कम आया है इन पे, दो ही हैं यहाँ पर को, तो क्या पता इस पेड़ में फल कम आया हो। एक छोटा यहाँ पर भी है। गाइस अभी जो है अपनी बकरियाँ भाग गई हैं, तो मेरी ड्यूटी थी बकरियों को देखने की, तो अभी मुझे जाना है और बकरियों को ढूंढना है। तो 3-4 मिनट घूमने के बाद जो है बकरियाँ यहाँ पर को हैं, तो अभी मैंने इनको घर के नज़दीक ले जाना है क्योंकि यहाँ बाघ भी आते रहता है। तो यार आप लोग देख पा रहे होंगे कितना घना जंगल यहाँ को, हमारा मकान वो रहा एकांत में है अकेले, और काफ़ी घना जंगल है ऊपर को ये। और इस जंगल में बाघ जो है हफ्ते में दिखाई देता है 2-3 दिन। तो गाइस बकरियाँ मिल गई हैं मुझे, तो अभी मैंने इनको ले आने हैं घर के नज़दीक। यहाँ पर से जो ये मेन रास्ता है तो कुछ ऐसा दिखाई देता है हमारा मकान, हमारे गांव वाला मकान। लोकेशन तो बढ़िया है, सिर्फ एक दिक्कत है वो है धूप की, तो धूप आती है 12 बजे जाड़ों में आजकल और 2 बजे निकल लेती है। ओए लल्लू लल्लू बदमाश, क्या कर रहा है? ओए लल्लू।
लल्लू। हे गाइस, अभी टाइम हुआ है 2:15। तो अभी यहाँ जो धूप है सिर्फ इतनी बची है। मतलब कि सिर्फ 15 मिनट धूप सेक पाएंगे हम लोग, तो ये बड़ा पहाड़ जो है ये लग जाता है ना, इस वजह से धूप नहीं आ पाती यहाँ। तो अभी हम लोग जितना है 15 मिनट धूप सेकेंगे यहाँ पर को। तो गाइस, मैं बैठ गया हूँ धूप सेकने। सिर्फ 15 मिनट की धूप सेक पाएंगे हम लोग, उसके बाद धूप चले जाएगी। तो यहाँ का जो माहौल है वो ऐसा हो जाता है कि अंधेरा अंधेरा। और ये जो ब्रश देख पा रहे हैं आप लोग, तो यार मेरी आदत है, मतलब जैसे लंच हो, डिनर हो, ब्रेकफास्ट हो, तो मतलब ब्रश करता हूँ उसके बाद मैं। अभी टाइम हो गया है 2:20। जो धूप है उसने जो है वो जो हमारा बड़ा खेत है वो आधा कवर कर लिया है, और छोटा खेत जो है उसको भी कवर कर लिया है। तो अब लगभग बची होगी सिर्फ 5 मिनट की धूप, तो सेकते हैं और चलते हैं घर को। अभी टाइम हुआ है 2:20, और धूप ने जो है लगभग इस खेत का इतना हिस्सा ढक दिया। तो लगभग अंदाजे से अभी बची होगी धूप सिर्फ 1 मिनट की। तो हमारे पास है सिर्फ 1 मिनट धूप सेकने के लिए, उसके बाद अंदर जाएंगे और आग सेकेंगे। क्या करते बाकी फिर।